नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पहला आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मशीन डिजाइन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डिजाइन। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन डिजाइन। दोस्तों, सबको पता है मशीन की जो डिजाइन है, डिजाइन जो टर्म है वो इंजीनियरिंग में वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइन बनाते हैं। दोस्तों, डिजाइन एक न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वंस। दैट मींस कि जो चीज अवेलेबल है उसको आप डिजाइन करते हैं, उसमें थोड़ा क्रिएशन करते हैं या पूरी नई डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन ये छोटा टॉपिक नहीं है, छोटी प्रोसेस नहीं है। डिजाइनिंग एक टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल यहाँ पे आपको एक कार दिख रही है, ये कार बना, कार के अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए हमें कई सारी डिजाइन करनी पड़ती है, कई सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, कई सारे कितना स्ट्रेस लगेगा, कितना कब फेलियर होगा, ये कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी पड़ती है, तब जाके हमें उसकी डिजाइन कर पाते हैं। तो डिजाइन के टाइप्स कितने होते हैं, तो डिजाइन के टोटल 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन है एडेप्टिव डिजाइन, सेकंड जो है वो है डेवलपमेंट डिजाइन, थर्ड जो है वो है न्यू डिजाइन। तो ये तीनों डिजाइन के टाइप्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है एडेप्टिव डिजाइन, तो उसको उससे जैसा नाम है एडेप्टिव, वैसा ही उसका काम भी है। तो एडेप्टिव डिजाइन में क्या करते हैं हम, जैसा डिजाइन अवेलेबल है, जैसी डिजाइन अवेलेबल है उसी डिजाइन को हम कॉपी करते हैं, उसको हम एडोप्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव डिजाइन। ये एडेप्टिव डिजाइन करने के लिए कोई हमें स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल जो पर्सन होता है वो भी एडेप्टिव डिजाइन कर सकता है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, कोई एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर कोई डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जो है उसकी डिजाइन करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई नया चेंजेस नहीं आया अभी तक, उसको मुझे एडोप्ट करना है, उसकी जो प्रोसेस है उसको मुझे एडोप्ट करना है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव डिजाइन। दोस्तों, मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बता देता हूँ कि आप जो किसी दोस्त का जो असाइनमेंट लिखने के लिए लाते हो, तो दूसरे दोस्त ने जैसा लिखा है वैसा ही आप लिख रहे हो, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव डिजाइन बोलते हैं। तो दूसरे सेकंड डिजाइन है उसमें चले जाते हैं हम। सेकंड डिजाइन का जो टाइप है वो है डेवलपमेंट डिजाइन। दोस्तों, डेवलपमेंट डिजाइन में क्या करना है, जो पुरानी डिजाइन अवेलेबल है उसी डिजाइन को लेना है आपको, और उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन लाइक मुझे उसका मटेरियल चेंज कर दूंगा या उसका शेप चेंज कर दूंगा, उसकी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चेंज कर दूंगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो फाइनल जो डिजाइन बनती है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट डिजाइन। जो फाइनल डिजाइन बनेगी वो हमें जिस डिजाइन में से मैंने कॉपी किया था उसी डिजाइन का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट डिजाइन। मैं सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पे आपको जो कार दिख रही है, आप कार के डिफरेंट मॉडल देख रहे हो, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। मैं कार बनाने के लिए क्या, कार का नया मॉडल बनाने के क्या करता हूँ, जो पुराना मॉडल होता है उसी मॉडल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और नया मॉडल बना देता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट डिजाइन। इसी तरीके डेवलपमेंट डिजाइन है, मोबाइल में देख सकते हो, टेलीविजन में देख सकते हो, आप टेलीफोन में देख सकते हो, ये सारी जो डिजाइन है वो सब क्या है, डेवलपमेंट डिजाइन है। ये बनाने के लिए थोड़ी आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों, थर्ड जो डिजाइन का टाइप है वो है न्यू डिजाइन। दोस्तों, न्यू डिजाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, टेक्निकल एबिलिटी आप में होनी चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग भी आपका होना चाहिए। तो न्यू डिजाइन में क्या आएगा, इसमें आपको किसी में से कॉपी नहीं करना है, किसी उठा के उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, टोटली नया कॉन्सेप्ट लाना है आपको। तो सिंपल कैसा, एक एग्जांपल दे देता हूं, सोलर कार, पुराना टोटली नया सोलर कार बनाओ, तो वो क्या है, न्यू डिजाइन है। चलो भाई, इससे नया कॉन्सेप्ट, फिर फ्लाइंग कार बनाते हैं हम, हवा में उड़ सके ऐसी कार बनाते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं, न्यू डिजाइन बोलते हैं। दोस्तों, ये थे टाइप्स ऑफ डिजाइन, एडोप्ट डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन और न्यू डिजाइन। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको मैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नए टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं तो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।